गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपकी वीडियो वीपीडियो परीक्षा आदि जो री एग्जाम्स हैं उनकी डेट्स भी आ चुकी है ना। तो जिनकी भी ये परीक्षाएं हैं उनको शुभकामनाएं, और उसी को फोकस करते हुए अब आपकी पढ़ाई आगे करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी हमारे जो ग्रुप्स पहले से चल रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैसेज कर सकते हैं, है ना। पहले भी हमारे जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनसे काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, और लाइव क्लास जो ये वाली है रिवीजन क्लास, इसमें भी डेली जो है उत्तराखंड और जो राज्य व्यवस्था है, सामान्य अध्ययन है और हिंदी, ये वाला इसमें होगा। ठीक है, तो आज हम जो है उत्तराखंड के अंदर से परमार वंश का एक टॉपिक ले रहे हैं, अजय पाल, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अजय पाल के बारे में। ठीक है, तो यूके SSSC जो है आपको पता है कि उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेवल के देता है, यूके PSC से भी थोड़ा डीप क्वेश्चन उसके लेवल के रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अजय पाल है वो कौन से क्रम का राजा है। तो परमार वंश जो है, बताया जाता है कि जो कनक पाल है वो मूल रूप से गुजरात के धारा नगरी से गढ़वाल पहुंचा था, और फिर जो राजा भानु प्रताप थे, राजा भानु प्रताप की पुत्री से कनक पाल ने विवाह किया। तो इस तरह से गुजरात का जो एक वंश था, ठीक है, वो यहाँ पर शुरू हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे परमार वंश की शुरुआत हुई थी। तो कनक पाल इस वंश का पहला राजा था। फिर सबसे जो महान राजा माना जाता है अजय पाल को, तो ये 37वें क्रम का है। इसने जो है 52 गढ़ों को जीत के एक छत्र राज्य की स्थापना की है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाएगा अजय पाल। ठीक है, 52 गढ़ या ठकुराइयों को जीतकर विशाल साम्राज्य बनाया 1515 के लगभग। ठीक है, तो 1490 से 1519 ये अजय पाल का समय है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब है कि अजय पाल को गढ़पाल किसने कहा, है ना। तो राय बहादुर पातीराम ने कहा है। राय बहादुर पातीराम ने अपनी पुस्तक भी लिखी है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न इंग्लिश में, और ये बुक भी पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उस काल में जब ये 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया, तो उस काल में गढ़ों के छोटे रूप को कोट, बुंगा, थुम्बा या मोड़ा भी कहा जाता था स्थानीय रूप से। जौनसार भावर के क्षेत्र के जो दुर्ग होते थे उन्हें क्या कहते थे, हम उन्हें कहते थे टिम्बा। ठीक है, महाभारत में भी इस क्षेत्र के लोगों का उल्लेख हुआ है। इनको पाषाण योद्धीन बोला गया है, अश्मक युद्ध विशारद, यानी ऐसे लोग जो पत्थर से युद्ध करने में जिनको महारत हासिल होती है। ठीक है, अश्मक युद्ध विशारद कहा गया है। इसके बाद है, अब देखते हैं अजय पाल को क्या क्या उपनाम दिए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो उपनाम है अजय पाल को वो भरत कवि ने दिए हैं, जो कि उनका ग्रंथ है मानोदय काव्य। ठीक है, राजा मानसाह जो आगे आएंगे 44वें क्रम के, उनकी प्रशंसा में मानोदय काव्य लिखा है भरत कवि ने, और उसमें अजय पाल का भी वर्णन है। ठीक है, तो उसी काव्य में अजय पाल के बहुत सारे उन्होंने उपनाम दिए हैं, जैसे कृष्ण, कुबेर, युधिष्ठिर, भीम, इंद्र, इनसे तुलना की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है अजय पाल की तुलना, अजय पाल को और क्या क्या कहा जाता है। अजय पाल को गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहते हैं, गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, जिस तरह सम्राट अशोक ने अपने कलिंग अभियान के बाद से, ठीक है, क्या किया था, अपने युद्ध न करने का निश्चय लिया, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो इसी तरह 52 गढ़ों को जीतने के बाद भी अजय पाल के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसीलिए तुलना कर देते हैं अशोक से। तो ये जो तुलना की है वो की है अजय रावत ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर है गढ़वाल का नेपोलियन, है ना। नेपोलियन ने जैसे अपने लगातार युद्ध जीते, इसी तरह अजय पाल ने भी सारे अपने 52 गढ़ों को जीता। और गढ़वाल का जूलियस सीजर, ठीक है, एक रोमन राजा है जूलियस सीजर, तो उनसे भी तुलना की गई है गढ़वाल का जूलियस सीजर। तो ये सब नाम आपको याद रखने। फिर है देवलगढ़, ठीक है, जो श्रीनगर के निकट है। देवलगढ़ में अपनी कुल देवी का मंदिर, राजराजेश्वरी का मंदिर अजय पाल के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, अजय पाल को गोरखपंथी संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक माना जाता है। तो जो गोरखपंथी समुदाय है उनके टोटल 84 सिद्ध है ना, उन्हीं में से एक माना जाता है अजय पाल को। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग दोनों। तो अजय पाल की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। कौन सी बुक में जो है उल्लेख आया है जिसमें गोरखपंथी संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक माना है? ठीक है, बिल्कुल यह है जॉर्ज वेस्टन ब्रिंक्स की गोरखनाथ एंड कनफट्टा योगीज, इसमें भी आया है इनका उल्लेख। ठीक है, और गोरक्षा सत्वांजलि ग्रंथ, ठीक है, नवनाथ कथा, तो इसमें आया है। इसके बाद है अजय पाल के गुरु राजगुरु कौन थे? ये थे सत्यनाथ योगी। ठीक है, अजय पाल के गुरु हैं सत्यनाथ योगी, और इनके नाम से सत्यनाथ भैरव मंदिर भी देवलगढ़ में बनाया। एक तो बनाया था राज राजेश्वरी का और एक था सत्यनाथ भैरव का। ठीक है, फिर एक उप्पो गढ़ के किस राजा को हराया अजय पाल ने? कप्पू चौहान। कप्पू चौहान। तारादत्त गहरोला ने इसका उल्लेख किया है और उसमें ये कहा गया था कि उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अजय पाल ने कहा, वीर वीर तुम जीते हम हारे। ठीक है, टिहरी में कप्पू चौहान के सम्मान में मेला लगता है। सदी गढ़वाली काव्य किसने लिखा था? तारादत्त तारादत्त गैरुला का। ठीक है, इसके अलावा सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करी अजय पाल के समय की यह घटना है। अजय पाल किसके समकालीन थे? कीर्तिका यह चंद कीर्तिका है चंद सॉरी। सिकंदर लोधी के, है ना, अच्छा सल्तनत का जी सर। सल्तनत के। तो आज हमने गवर्नर जनरल बोला था ना, जीएस के अंतर्गत। जी सर। ठीक है, तो इसमें एक बार दोबारे से आना इस बारे में। जी सर।